अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप राश देख रहे हैं, ये कोई मेला नहीं है, तमाशा नहीं है, बल्कि ये वो मजदूर हैं जो अपने इलाके से बाहर जा कर मजदूरी करते हैं और फिर ईद के दिनों अपने घर को अपने प्यारों के पास आने के लिए तैयारियां पकड़ लेते हैं। और जो ही अड्डे पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें टिकटों पे लगी होती है। और इस मौके पर कुछ ट्रांसपोर्ट वाले भी काफ़ी लोगों से ज़्यादती करते हैं और कुछ ट्रांसपोर्टर अच्छे भी होते हैं तो मसाइल भी होते हैं। तो ये जो आप रश देख रहे हैं ना, ये लाहौर में न्याजी अड्डा पे है। तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं और अभी तक आवाम लाइनों में है। और अभी तो 2-3 दिन ईद पे भी रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग इतने मजबूर हैं कि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें और इतना बड़ा रश कि हर कोई अपने घर जाने को तरस रहा है, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना बिज़ी हो चुका है। काश के हमारे रेलवे का निज़ाम उम्दा होता, ठीक होता, तो आज ये परेशानी ना होती, बल्कि बहुत सुकून से लोग सफ़र करते। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि रेलवे के निज़ाम को बहुत बेहतर बनाया जाए, क्योंकि रेलवे जो है ना, वो काफ़ी हद तक रश को ख़त्म कर देता है और बहुत ही आसान सफ़र है और हर इंसान के लिए तकरीबन वो सूटेबल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे का सफ़र बहाल होगा और जैसे पहले रेलवे चलती थी उसी तरह ही रेलवे आबाद शाद रहेंगी। ज़रूरी है न्यू ज़माने के साथ साथ जदीद मशीनरी, जदीद ट्रांसपोर्ट, तेज़ तरीन बसें, कारें, लेकिन साथ साथ जो रेलवे है उसको भी डिवेलप होना चाहिए, उसमें भी जदीद तरीन चीज़ें आनी चाहिए और जदीद मशीनें आनी चाहिए और जदीद रेलवे का निज़ाम होना चाहिए। तो आप देखिए ये लोग कितना जलील हो रहे हैं, कितना ख्वार हो रहे हैं, कितनी परेशानी है। और दूसरी बात ये है कि रेलवे का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम होता है, खुदा न खास्ता कि उसमें हादसा हो, और इनकी निस्बत वो बहुत महफूज है जिस बसों पर हम सफ़र करते हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर इंसान अल्लाह की अमान में रहें। वसलाम, ज़ामिन अब्बास, खुश रहें, टेक केयर।